नागपूर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक कधी होणार हे अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी मात्र आपल्या गृह जिल्ह्यातील गड वाचवण्यासाठी कार्यरत झाले आहेत. आज नागपूर महानगरपालिकेतर्फे नागपूर शहराचे नाव मोठे करणाऱ्या अनेक क्षेत्रातील व्यक्तिमत्वांचा नागरी सत्कार करण्यात आला. त्या कार्यक्रमात बोलताना गडकरींनी रिपोर्ट कार्डनुसार विद्यमानांना संधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. राजकारणात माझ्याशिवाय नवीन कुणी येऊ नये हे कुणालाही वाटणे स्वाभाविक आहे. कोणत्याही नेत्याचा कार्यकर्ता असो ते तोंडावर कौतुक करतात, हवेत उडवतात, मात्र जोपर्यंत जनता म्हणणार नाही तोपर्यंत उमेदवारी मिळणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. मनपा निवडणुकीत नगरसेवक पदासाठी एक अनार सौ बिमार अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याचे ते म्हणाले आहेत. पण मी देवाला प्रार्थना करतो की तुम्हालाच पुन्हा नगरसेवकाची तिकीट मिळो असं सांगून विद्यमानांची चिंता वाढवली आहे. आज महानगरपालिकेतील नगरसेवकांना सेंड ऑफ देण्याचा दिवस आहे, त्यामुळे सर्वांना माझ्याकडून शुभेच्छा देतो. पण माझ्या हातात तिकीट नाही. सर्वेनुसार जनता ज्याला तिकीट द्यायला सांगेल त्यांना तिकीट मिळणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. महानगरपालिका चालवणे खूप कठीण काम आहे. जनतेची अपेक्षा मंत्री खासदार आमदारापेक्षा नगरसेवकांकडूनच जनतेला सर्वात जास्त असतात. उठता बसता नगरसेवक आपल्या घरासमोर हजर राहावा अशीच इच्छा जनतेची असते. जणू नगरसेवक म्हणजे 1000 रुपये महिन्याचा घरगडीचा आहे. विपरीत परिस्थितीत सुद्धा नागपूर महानगरपालिका खूप चांगलं काम करत आहे. महापौर आणि मनपा आयुक्तांच्या कामाचे गडकरींनी कौतुक केलं. पर एक बड़ी अच्छी बात होती है, ट्रेन में मुझे बचपन में याद है कि ट्रेन का डब्बा कितना भी खाली हो तो उस समय माताजी पिताजी सब हम सब फैमिली में जाते हैं तो जगह होने के बाद भी बोलते दरवाजा बंद कर ले नहीं तो लोग आएंगे अंदर. यानी जगह होने के बाद भी किसी को आने के लिए कोई तैयार नहीं होता. वैसे राजनीति में अब मैं जा रहा हूँ, मेरे अलावा कोई नया आए ये किसी की तैयारी नहीं होती है. वो बोलता जीवन भर मैं ही रहूँ. पता बहुत होशियार है. तुम्हारे मुंह पर जो आए हुए कार्यकर्ता होते वो बोलते बस साहब क्या काम है आपका, पूरे देश में आपका ही नाम है. और ये जब बोलते तो अपने को खुशी होती है. पर देश में नाम है जब खड़ा होते हैं तो चुनाव में मतलब पेटी में से जब गायब हो जाता है तब पता चलता है कि देश में नाम है पर वार्ड में अपना नाम नहीं है. क्योंकि लोगों को समझता है. और इसलिए मैं मानता हूं कि आप लोगों को काम करने का मौका मिला यही बहुत बड़ा पुरस्कार है. और निश्चित रूप से आपको फिर से एक बार टिकट मिले. अब वो मैं कह रहा था कि ये सभी लोग फिर से आएंगे तो जो हमारे घर में चक्कर काट रहे बार बार हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा. एक अनार सौ बीमार. हर आदमी आके बोलता है. महानगर पालिका चलाना बहुत कठिन है. सबसे कठिन काम है नगर सेवक का. सांसद नहीं मिला तो चलता है, एमएलए नहीं मिला तो चलता है, मंत्री नहीं मिला तो चलता है. मेरा एक रिश्तेदार था, मेरे घर पर आया और उसने मुझे कहा तुम्हारा नगर सेवक दिखता ही नहीं, रोड पे घूमता ही नहीं, आवाज़ देता ही नहीं. मैंने बोला मेरा हमारा नगर सेवक क्या तेरे बाप का नौकर है क्या, साले दिन भर रोड पर घूमे और तुझे आवाज़ देते रहे. यानी लोगों की अपेक्षा है कि नगर सेवक सुबह शाम काय ताई कसा है, काय मौसी कसा है. ऐसे भी नगर सेवक थे, वो बहुत पॉपुलर थे, उनका नाम था और सेवा ही कर दिन भर. सखाराम चौधरी जी हमारे नगर सेवक थे, अजात शत्रु थे, डोमाजी जाधव थे, एकनाथराव जोग थे, अटल बहादुर सिंह जी थे. कभी भी जनता को अवेलेबल रहते थे और इसलिए बार बार चुन के भी आते थे, जनता में उनका स्थान भी था. पर मैंने उनको लोगों को बोला कि तुम ये भी तो आदत करो कि नगर सेवक तुम्हारा काम है उसके पास जाओ. नहीं, नगर सेवक हमारे घर पर आए जैसे कोई 1000 रुपये साल से उसको रखा है, रोज आके क्या क्या काम है. तो ये जनता की भी अपेक्षा एमएलए से नहीं होती, एमपी से नहीं होती, मंत्रियों से नहीं, पर नगर सेवक आओ घर पे दिखाने कहाँ घूम रहा तू आओ. तो ये बहुत कठिन काम है और इस काम में लोगों का विश्वास जिताना बहुत कठिन. पानी नहीं आया नगर सेवक, इधर काम नहीं हुआ नगर सेवक. अब वो नगर सेवक मैं बोलता रहा काम क्या करेगा, पैसे नहीं कॉरपोरेशन में, बेचारा कहाँ से ये काम ही नहीं करता. बोले इस घर तक देखो वहाँ तक रोड बना है, मेरे घर तक नहीं लाया, जानबूझ के राजनीति की. अरे मैंने बोला उसके पास पैसे ही उतने थे, आगे का नहीं कर पाया.
तो ये बहुत कठिन समय में आपने बहुत अच्छा काम किया और उसमें भी जनता का विश्वास संपादन किया है, तो आप सभी पार्टी के सन्मान्य नगर सेवकों को उनके सामाजिक और राजनीतिक काम के लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि फिर से एक बार भगवान प्रसन्न हो और ज़रूर आपको आने का मौका मिले। पर मेरा ये वाक्य सुनकर जो अनेक लोग आगे पीछे घूम रहे सबके घर में बोलेंगे कि इनके मन में क्या है, तो मुझे बहुत बहुत आपकी शुभकामनाएं।